अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी प्यारी सी होस्ट डॉक्टर अफीफा और आप देख रहे हैं फन फनकारियों का एक नया एपिसोड। और आज हम मौजूद हैं गर्देवी मार्केट गुलगश्त में, आए करते हैं लोगों से थोड़ी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिया दिया दिया, बहुत प्यारा नाम है आप। थैंक यू। क्या करती हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है। माशाल्लाह। किस चीज़ का? हम रियल स्टेट का। ओके, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कोई राज बताएंगे अपनी खूबसूरती का? प्यार मोहब्बत से रखा हुआ है इन्होंने। शोहर ने प्यार मोहब्बत, यही राज है। सारे नखरे उठाते हैं, ये तो मैं को जाता है। यही राज है, यही राज है। कुरान मुरीद कहते हैं। नहीं, रंग मुरीद भी कहते हैं, उसको मोहब्बत ही कहते हैं। मोहब्बत कहते हैं, सुन्नत कहते हैं, सुन्नत कहते हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछो, आप जवाब दें। जी जरूर। अच्छा, शादियों में मर्दों को खाना पहले दे दिया जाता है, औरतों को बाद में दिया जाता है, इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह? मेरे ख्याल में इज्जत, मेरे ख्याल में, आई डोंट नो। औरतों को देना चाहिए पहले, है ना? हाँ बिल्कुल, औरतों को चाहिए। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही कहेंगे। जो कहेंगी यही कहेंगी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेडीज फर्स्ट, है ना? लेडीज फर्स्ट यार, थोड़ा डर। नहीं नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट। बहुत माशाल्लाह, आपका प्यारा कपल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है? उर्मिश। उर्मिश, उर्मिश आपके नाम का मतलब क्या? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, वाजी वाह। आपसे सवाल पूछो, आप जवाब देंगे? जी। लड़कियों को किस एज में आंटी कह लेना चाहिए? किसी एज में भी कह लेना चाहिए। लड़कियाँ लड़कियों को कहते हैं। अच्छा, आपको अगर कोई आंटी कहे आपको बुरा नहीं लगता? नहीं। अच्छी बड़ी बात है वैसे। आपकी 18 वैसे आप 18 से कम नहीं लगती ना, इसलिए कोई आंटी कहेगा ही नहीं मुझे। नहीं है। सही बात है। मेरा ड्रेस, हाँ जी, बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप बताएं। मैं मेरी शॉपिंग नहीं पसंद आती है, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा तंग करती है आपने। तंग हो गया, कोई फूड नहीं पसंद नहीं आया। एक घंटा ही हुआ अभी तो, दो तीन घंटे हो तो फिर बंदा कहे कि हाँ भाई पसंद नहीं आया ना, अभी तो एक घंटा। भाई एक घंटा तो सब देख ले। अल्लाह तो ना, इनको पसंद कर लिया। शुक्र करें, एक घंटा लगाया उन्होंने, चार पूरा पूरा दिन औरतें लगा देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इनको पता ही नहीं है फीमेल्स का ना। औरतों को किस एज में आंटी कहना चाहिए? वो किसी भी एज में आंटी होती ही नहीं है, वो अपने आप को फीमेल यंग मानती है। आंटी इयर्स की आंटी को आंटी कहेंगे ना, वो भी नाराज हो जाएंगी। हो जाती है, लेकिन कहना किस एज वैसे तो 30-40 की एज में आंटियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए। कहना नहीं चाहिए, नहीं कहना चाहिए, माइंड कर जाती है। आपको कोई आंटी कहती? एक बार कहा था एक बच्चे ने, तो आपने से क्या? मुझे पूरी रास्ते का सुना दे। आपसे सवाल पूछो, आप जवाब दें। अच्छा, हमारी पाकिस्तानी माओ का मशहूर ताना कौन सा है? मशहूर ताना, मशहूर ताना ये तो नहीं कह सकते, बेसिकली बहुत सारे ताने होते हैं, हर माँ अपने बेटे को मशहूर ताना देती है। आपको क्या ताना? मुझे तो निकम्मा ही कहते हैं। क्या, किस तरीके से कहते हैं? मेरी मॉम यही कह रही है, कभी मैं मोबाइल चला रहा हूँ ये वगैरह, वो कहते हैं आप तो है ही निकम्मा। निकम्मा है यही। और इसके अलावा? इसके अलावा अबू भी यही कहते रहते हैं कि फारिग पड़े ये वगैरह, इसलिए तो पैदाइशी निकम्मा है। आप हॉस्टल चले जाओ, वहाँ किसी काम में लग जाए, इसलिए कहते हैं आप निकम्मे पड़ जाते हो। ये निकम्मा है, ये आपका यानी वो है इंतखाबी निशान, समझ लीजिए आप। सवाल पूछो, आप जवाब दे रहे हैं। कौन सा सवाल होगा? बता देना। बता ही रही हूँ ना। अच्छा, लड़कियों को किस एज में आंटी कहना चाहिए? 36 फाइनल है आपकी? आंटी बन जाती है। बन जाती है, उससे पहले? उससे पहले भी लड़की कभी लड़की होती नहीं है। आंटी तो दो बच्चे पैदा कर ले, इधर उठा ले, इधर उठा ले, वो आंटी बन गई। बात तो यही है, और तो कोई मसला नहीं है। आंटी जो नौजवान लड़की ना, 18-19 सालों की, जरा लगे तीर ताप चल रही है, फिर तो पता चले। अब दो बच्चे उठा गए तो नहीं, और क्या होगी? अब मुझे ना लड़की के बहुत खिलाफ है। नहीं नहीं, मेरे खिलाफ नहीं, मेरे खुद बच्चे हैं। अच्छा, मेरे ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई? अमानत अली। अमानत अली, मानते रखते भी हैं लोग? यस, खयानत तो नहीं करते? नहीं, खयानत नहीं करते। नहीं करते, अच्छा।
तो आपसे सवाल पूछो, आप जवाब देंगे? जी जी, पूछें आप। अच्छा, शादियों में मर्दों को खाना पहले दे दिया जाता है और औरतों को बाद में दिया जाता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि पहले बंदों को भूख लगी थी ज्यादा, औरतों ने छापर में डालना होता है इसीलिए। हाँ, ये भी बात है। औरतों ने छापर में डालना? नहीं, मर्दों ने नहीं, औरतों ने छापर में डालना, तो इसलिए पहले उनको दे देते हैं मर्दों को, बाद में औरतों को देते हैं। बाद में औरतों को ये देते हैं। आप शादीशुदा हैं? नहीं, अल्लाह ना करे, अभी ना करवाए अल्लाह। अल्लाह ना करे, बड़ा आप है इसका। शादी बहुत अजाब है आपको लगता है? बड़ा बहुत बहुत अजाब। करवाने का इरादा नहीं है? करवाना पर अभी नहीं है। हरमैन, आप स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में? प्रेप में। आप पोइम सुनाना चाहेंगे हमें? कोई पोइम नहीं आती आपको? अच्छा, सुनाने का मूड नहीं है। चलें सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग, आजकल जो कोई इन चल रहा हो वो सुना दो। कोई भी नहीं, मूड ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या नाम है? राव मोहम्मद उस्मान। इतना लंबा? हाँ जी, बस क्या करें, जिंदगी में बड़े बड़े काम करने का बड़ा शौक है। अच्छा, इसलिए इतना लंबा नाम रखा? हाँ जी, इसी वजह से बड़े नाम रखा। किसने? आप? दादी अम्मा ने रखा था। आपसे सवाल पूछो, आप जवाब देंगे? हाँ दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। अच्छा, लड़कियों को किस एज में आंटी कहना चाहिए? अब कुछ होती है वो छोटी उम्र में ही आंटी लगते हैं, जैसे आप। नो, मेरी एज कम तो नहीं है तो आपको इसलिए? आपको क्या लगता है मेरी एज कितनी होगी? तो वाकई आंटियों वाली 38 तो होगी। नहीं, 38 तो नहीं है, खैर ये तो बहुत ज्यादा आप बता। 35? तो आप जेलस हो के कह रहे हो? नहीं, 30 अबव तो है। नहीं, 30 अबव तो नहीं है मेरी। 30 अबव लग रही है, मैं वो लग रही है। 30 अबव लग रही है मेरी? क्या बात है, यानी इनको 30 अबव लग। वालेकुम सलाम, क्या नाम है भाई? ठीक ठाक, जबरदस्त। नाम तो मेरा नहीं है। बेनाम है आप? फिर लोग कैसे बुलाते हैं आपको? लोग बनाते हैं हीरो। हीरो? हीरो कह के बुलाते हैं? नो, सारे नौकर खड़े। ये सारे नौकर? हां ना। ये क्या कहते हैं सर? हीरो? 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 चॉकलेटी हीरो? चॉकलेटी हीरो? क्या बात है, चॉकलेटी हीरो। तो घर में भी सब यही कहते हैं? हां, घर में भी कहते हैं। तो आप मैरिड हैं? शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो आप कह रहे थे उर्दू नहीं आती, अभी आपको मैरिड का मतलब पता है? उर्दू से ही थोड़ा थोड़ा आती है। थोड़ा थोड़ा आती है? थोड़ा थोड़ा में कुछ बताएंगे? हां बताओ। अच्छा, आपसे कुछ सवाल पूछे तो आप जवाब दें? सवाल लगा तो वो दे दूंगा नहीं यार। ठीक है। अच्छा, लड़कियों को किस एज में आंटी कहा जाता है? लड़कियों, खुदा पाक, बूढ़ी को भी आंटी बोल दो, गुस्सा करता है। नो। हम एक दिन को बोला, मैंने कहा आंटी जी कमीज ये ले लो, कहता मैं तुझे आंटी नजर आ रहे हो, और मैं खुदा पाक तुम छोटा गुड़ी नजर आ रहे हो। क्या वजह है समझ नहीं आता है। हमें 3-2 जबान आते हैं, बाजी, आंटी, बेटा, क्या बोले बताओ। अब मैडम मैडम क्या, खुदा पाक, मैडम नहीं आता है ना। मैडम मुंह पर नहीं चढ़ता। बोलेगा अभी मैडम बोले। आप मैडम कह लिया? मैडम कहेगा मैडम जी क्या लेना है, मैडम जी क्या लेना है। पठान है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपनी पठान लैंग्वेज में कुछ बता, कुछ सुनाना चाहेंगे? क्या बोला, गर्मी, इतना गर्मी, वतन जाएगा, बस नारायण कागान जाएगा। नारायण कागान? गर्मी। अच्छा, एक सवाल पूछो, आप जवाब देंगे? दूंगा। अच्छा, शादियों में मर्दों को खाना पहले दे दिया जाता है, औरतों को बाद में, इसकी क्या वजह है? वजह तो कोई नहीं होती, लेकिन मर्द बहुत जल्दी में होते हैं। औरतें जल्दी में नहीं होती? औरतें तो सफर कर देती हैं, औरतों को इसलिए। लेकिन कहता है कि अगर पीछे कम भी पड़ जाएगा, औरतें चलो सफर में बैठी हुई हैं। लेकिन मैंने तो सुना है औरतें बेसब्री होती हैं। नहीं, बेसब्री तो नहीं होती, खैर जब मिलेगी लेट तो उन्होंने बेसब्री क्या करनी है, लेकिन मर्दों को पहले दिया जाता है शादी। आपके कहने का मकसद है कि मर्दों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, इसलिए मर्दों को खाना पहले दे दिया जाता है। वो अभी कहते भी नहीं है तो शुरू, चल मेरे भाई, और पे तो फिर सारे बैठ के चलो बच्चों के साथ लगे पड़े हैं, बच्चों को खिलाने में ही लगे रहते हैं तकरीबन, तो यही है। लेकिन मर्द बहुत जल्दी में होते हैं। लड़कियों को किस एज में आंटी कहा जाता है? आंटी कहना स्टार्ट कर देते हैं लोग। आंटी कहना? आपको किस एज में कहना स्टार्ट किया था लोगों ने? यही 40-50 साल। 40-50 साल तब आंटी कहना स्टार्ट किया? हाँ जी। आप
आपको हम इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में मजीद फन फनकारियों के साथ।